हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फिगर के एरिया को फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सारा एंगल 90 डिग्री है ए बी सी डी के अंदर, ठीक है, और लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी 6 × 5 cm², 30 cm², ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है इसके पैरेलल, एफ ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ किया, इसका नाम जी दे देते हैं, ए जी। ए जी का लेंथ क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ है वही इसका लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पूरा लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इससे पहले आप देखिए कि यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है उसका स्क्वायर, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होना चाहिए था, क्योंकि 5² = 4² + 3² होता है, तो ये 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है, इसीलिए ये फिगर जो ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये फिगर ऐसा कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एरिया फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ही रॉन्ग है ना, ये गलत कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसीलिए इसका एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि दिए गए मेजरमेंट्स के साथ इस तरह का फिगर कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता है, और जब इस तरह का फिगर कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया वीडियो में, और जब कंस्ट्रक्ट होगा ही नहीं तो एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।